दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना का कहर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। देखा जाए तो पूरे देश भर में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके मरीजों की संख्या 21 लाख से भी पार हो चुकी है। इसी बीच यदि बात की जाए बॉलीवुड के बारे में, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब तक कई सेलेब्स हैं जो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, वहीं कोरोना को मात भी दे चुके हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही बच्चन परिवार के सभी सदस्यों ने कोरोना वायरस से जंग जीती है। वहीं बॉलीवुड के पॉपुलर स्टार अनुपम खेर के परिवार के सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन देखा जाए तो बॉलीवुड के कई सितारों ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। लेकिन अब इसी बीच खबरें सामने आई हैं एक और एक्ट्रेस को लेकर। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक्ट्रेस नताशा सूरी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। अपने एक इंटरव्यू में हाल ही में नताशा ने खुलासा किया है कि करीब 6 दिन पहले मैं किसी अर्जेंट काम से पुणे गई थी। वहां से आने के बाद मैं बीमार पड़ गई और गले में खराश और वीकनेस लगने लगी है। 3 दिन पहले मैंने कोरोना टेस्ट करवाया था जो कि पॉजिटिव आया है। इस वक्त मैं होम क्वारंटाइन हूँ और मुझे अब भी बुखार है और वीकनेस है। मैं दवाएं ले रही हूँ और साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टर्स भी ले रही हूँ। मैं अपनी दादी और बहनों के साथ रहती हूँ तो उनका भी कोरोना टेस्ट करवाऊंगी। और इस तरीके से इंटरव्यू में नताशा ने बताया है कोरोना वायरस को लेकर। वेल दोस्तों, वर्क फ्रंट के बारे में अगर बात की जाए तो फिलहाल नताशा अपनी फिल्म डेंजरस को लेकर प्रमोशन करने में जुटी हुई थी, लेकिन इसके चलते अब उन्हें प्रमोशन भी छोड़ना पड़ेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नताशा की अपकमिंग फिल्म डेंजरस MX प्लेयर पर रिलीज होने वाली है। वहीं इस फिल्म में बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर भी लीड किरदार में नजर आने वाले हैं। नताशा ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि प्रमोशन 10 अगस्त से शुरू होना था, लेकिन अब वो इसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे, जिसका उन्हें बहुत ही दुख है। साथ ही साथ आपको बता दें कि नताशा सूरी साल 2016 में मलयालम फिल्म किंग लायर्स से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखी थी और आज के समय में नताशा चर्चा में बनी हुई हैं डेंजरस को लेकर। वेल, जब से नताशा ने इस बात का खुलासा किया है कि वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, तो वहीं लगातार फैंस उनकी सलामती की दुआएं भी मांग रहे हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।